हेलो जी, जी सर, हेलो जी, जी, मुझे आपकी ये आवाज आ रही क्वेश्चन। है सर। जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। एक्चुअली मेरे पास दो तीन चीजें। एक तो ये कि कोई अथॉरिटी क्या नहीं है जो कि मसलन जैसे कि आप दूध के पैकेट पे भी टाइम फ्रेम लिखा होता है कि जी वो जो है इस वक्त पे एक्सपायरी या कोई और। तो इसी तरह से मशरूम के जो ये जो स्पॉन वगैरह है उसके कोई जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी या कोई और कि उसकी पॉजिटिविटी के जो है ठीक है वो जो है स्पॉन या नहीं, कोई उसका वो क्यों नहीं एक लेबल लगा हुआ होता जैसे कि सारे बाकी दुनिया में लगा होता है कि और वो इसमें हो जाए ऐसे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है एक जो मैं जैसे सोचता हूँ। और दूसरी जो बात है मुझे बिल्कुल आप जो वहां पे क्योंकि अभी नया नया बिगिन कर रहा था और मुझे बहुत ज्यादा जो एक जो लोग ये बताते हैं कि जी अगर आप जैसे लाइक 30,000 का आप सामान दे दोगे आपको जो मिलेंगे वो बीच में 10,000 देंगे आपको और फिर बाद में कहेंगे कि बाकी जो है अगली दफा जब आप सप्लाई करोगे नेक्स्ट उस ऑर्डर्स में आपको मिल जाएगा। और वो हमेशा वही जो है वो मतलब मजीद से मजीद वो बढ़ता जा रहा होता है उसका आपके जो है जो जो है ये वाला कि एक 30 से 50 तक जो है चला जाता है फिर 50 से ऊपर इस तरह का। और वो आखिर में आपके लिए मुश्किल बन जाता है कि आप खुद कंटिन्यू करो कॉस्ट ऑफ दैट जो है उसका। सो हाउ वुड यू कम टू दैट के उससे कैसे हम निकाला जा सकता मोहतरम, आपका इसमें ग्रामी और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? है। मैं जी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम फारकुलीत महमूद है। जी, बहुत शुक्रिया। आपका पहला सवाल कि उस पर किसी तरह का बैच नंबर, एक्सपायर डेट जो है वो कुछ मेंशन क्यों नहीं होता इस तरह की चीज़ें, तो वो इसी वजह से है क्योंकि इसको पकाया था। जैसे अब सीड एक्ट के तहत जो है तमाम सीड की जितनी भी पैकेजिंग है उसका बकायदा एक प्रोटोकॉल है कि उसके ऊपर जो है बैच नंबर और पैकिंग डेट और टर्मिनेशन रेट जो है वो तमाम उसके ऊपर मेंशन होता है, ठीक है, कानून के मुताबिक। ठीक है, अब मशरूम उस लेवल तक एक्नॉलेज या कंसीडर किया ही नहीं जा रहा, ठीक है। इसको 1970 से इस बदकिस्मती को नजर रखें, इसको उस पैमाने पे किया ही नहीं गया, ठीक है। एक्नॉलेज के इसके लिए कोई प्रोटोकॉल जो है वजह किए जाए बकायदा, ठीक है। और चंदे के इदारे और चंदे के अशासी थे जो कि अपने तौर पे काम, और अभी भी कई लोग ऐसे हैं, मशरूम ग्रोअर्स ऐसे हैं जो कि खामोशी से काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पॉन वो बाहर से मंगवाते हैं, आप अगर बाहर से स्पॉन होंगे तो ऊपर चीज़ें मैंशन होती हैं, लेकिन जो लोकल होता है क्योंकि वो किसी अथॉरिटी के अंदर वो नहीं आ रहा, ठीक है, हर कोई आजादाना काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बस एक मुंह से बोल के बता देते हैं भाई अभी आपने अब तैयार कर, और वो बाकी अभी वो ताज़ा तैयार करके ही देते हैं, ठीक है। हाँ कुछ लेकिन वही बात है कि पहले उसको चेक कर लेंगे कि जो जिससे आप खरीद रहे हैं उसका क्या पोर्टफोलियो क्या है उसका, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, क्या वो क्वालिटी एश्योरेंस रख रहा है कि नहीं रख रहा, ठीक है, तो उसके वर्किंग एथिक्स क्या है, इस चीज़ को मद्देनजर रखें। क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत बात की जाती है फाइनेंशियल करप्शन की, लेकिन सबसे बढ़ के हमारे पास मोरल करप्शन, ठीक है ना, तो अल्लाह हम सबको इससे बचाए क्योंकि मोरल करप्शन की वजह से ही हम फाइनेंशियल करप्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आपकी जो है वो इसके हवाले से कि वो क्रेडिट इकट्ठा हो जाता है काफ़ी, ठीक है ना, दुकानदार या रिटेलर जो होलसेलर जो क्रेडिट पर माल लेते हैं और फिर लेते जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट सर्वे और मार्केट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप किसको सेल करना जान, डायरेक्ट मार्केट करें, डायरेक्ट मार्केट आपके प्रॉफिट को इंश्योर करें, ठीक है, खुद सेल करें, वो जैसे पंजाबी में ही कहते हैं ना खेती साइयां से की, जब तक साईं खुद सर पे नहीं खड़ा होता ना तब तक उसकी खेती उसको कोई फायदा नहीं देता। तो खुद आए, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, दूसरे तीसरे को देंगे तो वो हाँ कोई कंसल्टेंट है जो कोई फार्म मैनेजर आपके पास बहुत अच्छा है तो फिर तो बैलेंस हो, ठीक है, लेकिन उसको भी अकेला मत छोड़। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मार्केटिंग में आए, सेकेंड थिंग फूड प्रोसेसिंग में आए, मशरूम की प्रोसेसिंग जो है, अब जैसे एग्री एजुकेशन पाकिस्तान जो है वो मशरूम के ऑस्कर मशरूम के पेस्टिसाइड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अभी वर्क हो रहा है, ठीक है। तो
हमारा काम तो है R&D का, ठीक है, तो हम तो उस पर लगे हुए, ठीक है, और जहाँ तक मार्केट की सूरत हाल है और वो तमाम उसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ये ज़रूर मद्देनजर रखिए कि आप पहले जो है मार्केट स्ट्रेटजी एक अच्छी बनाएं, ठीक है, कोशिश करें कि सब चीज़ें जो है अपने हाथ में, ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंसी शो मत करें, ठीक है, क्योंकि किसी का कुछ शराफत माथे पर नहीं लिखी होती, ठीक है, ये फैक्ट है, हमारा माशरा ऐसा है, अल्लाह हमें माफ करे, ठीक है, एहतियात करनी चाहिए, और बिजनेस में तो बिलखसूस, ठीक है, तो आप जिसको सेल कर रहे हैं, जिससे मामला कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पहले जांच पड़ताल कर रहे हैं तो फिर करें, नहीं तो डायरेक्ट मार्केट की तरफ आएँ, फिर फूड प्रोसेसिंग की तरफ आएँ, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सिक्योर करें, क्यों, क्योंकि जो रिटेलर बैठा है या होलसेलर बैठा है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे नहीं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भाई हफ्ते बाद इसकी फसल खराब हो जानी है, मशरूम खराब हो जानी है, इसने हमें उन्हें फोनों जो है सेल करना है, हमने इसको जैसे कहना है इसने वैसी बात माननी है हमारी, तो फिर मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने पेरिसिबिलिटी बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट की डायरेक्ट मार्केट करें या फूड प्रोसेस करें, तो आपको इस मसले से जो है आज़ादी मिल जाएगी। बाकी अल्लाह हमें अच्छे जो है वो साथी दें हर सफर में, हर पहलू में जिंदगी के, चाहे कारोबार हो या माशरत हो या सियासत हो या कोई भी पहलू हो जिंदगी का, तो मामलात फिर जो है हमारे लिए हर एक के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। प्लीज, और कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से? जी प्लीज, एनी क्वेश्चन। महमूद साहब, आपके तो क्लियर हो गया? जी जी बिल्कुल जी ना, अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, ठीक है, मजीद इसको जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है दे देता हूँ, तो उसमें जितने भी मोहतरम यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर जो कोई मेरे लायक हुक्म होगा सवाल जवाब के हवाले से, तो मैं हाजिर हूँ उसको, फिर अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी जो है वो देख लेंगे, ठीक है। तो एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। हेलो, सलाम अलैकुम। अपना जाफरी साहब, आपका लेक्चर तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद आया, बड़े जो आपकी इसकी एफर्ट है, तो मैं लाइक करता हूँ आपकी एफर्ट को। तो बस सिर्फ एक थोड़े ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में काम जो है ना 97 से शुरू किया था, हुआ था डॉक्टर दाऊद साहब ने शुरू किया, मेरे प्रोफेसर थे, उसके बाद सुल्तान साहब ने बहुत ज्यादा काम किया, डॉक्टर सुल्तान साहब ने बहुत ज्यादा काम किया, जो मेरे उस्ताद थे, टीचर थे, तो उसके अलावा काफी काम लोग आते रहे में बंद करते रहे, तो अब मार्गला फार्म जो 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था, काशिफ मेरा स्टूडेंट है तो वो उसका इंचार्ज था, तो ताहिर जहांगीर साहब को हमने फिर पहला फार्म जो है ना एस्टैब्लिश किया, फिर और भी कई फार्म मैंने एस्टैब्लिश किए हैं। बाहर आज आपके अच्छी एफर्ट है, तो लोगों को इसके मुतालिक बताना, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पर इंशाल्लाह ताला, तो आप इसको कंटिन्यू रखें, मैं आपके साथ हूँ, किसी चीज की हेल्प की तो मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। मशरूम के बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के हवाले से अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। सभी साहब ने हमें काफी टाइम दिया है, इसके अलावा अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देंगे, अगर सेशन के बाद भी किसी ने कॉन्टेक्ट करना हो तो वो कॉन्टेक्ट करके उनसे रابطہ कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। सर आपकी आवाज तो थोड़ी आ रही है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें अभी, ताकि हम इस सेशन को एंड करें, और सभी सब अपना कॉन्टेक्ट नंबर सबसे शेयर कर देंगे, अगर किसी को सेशन के बाद भी रابطہ करना हो तो رابطہ करके इस सिलसिले में मशरूम कल्टिवेशन और जो भी मालूम लेनी है तो ले सकते हैं। तो काइंडली अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। मेरा ख्याल है कि किसी का क्वेश्चन नहीं है, आप अपना शेयर कर दें और बाकी जिससे रابطہ करना होगा। मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो
जी हाँ शेयर कर दिया चैट में, तो मजीद अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो आप उसको गाइड कर दीजिएगा, मैं हाजिर हूँ कि अगर कोई सवाल जवाब हो या किसी तरह से अगर मैं किसी तौर फायदा मंद साबित हो सकूँ। बाकी आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया एक रिसोर्स कलेक्शन इंडस्ट्री के हवाले से लोगों को पार्टिसिपेंट है उनको अवेयरनेस मिली, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे छोटा सा टेक्निकल सेशन 30-40 मिनट का रखें जिसमें हम एक बटन या ऑफर की जो कल्टिवेशन स्टेप तो उसके बहुत वसी है लेकिन एक किसी भी एक पहलू को हम उसको डिस्कस कर सकते हैं प्रैक्टिकली, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कोशिश देखेंगे कि हम एक छोटा सा सेशन हम इसकी किसी भी कल्टिवेशन टेक्निक की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बाकी घर पे आखिर पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि आजकल वैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है तो घर पे जो एक अच्छी एक्टिविटी की आप सब रख सकते हैं वो किचन गार्डनिंग के लिए है, सब्जियाँ ठीक है और उसको ऑर्गेनिक और नेचुरल में लेके चलें, और ये एक अच्छी एक्टिविटी है। एग्री एजुकेशन पाकिस्तान जो है इस पर एक अलग उसका प्रोजेक्ट है किचन प्रेन्योर के नाम से, उस पर भी वो हम काफ़ी गाइडेंस वगैरह दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर ऐसा मतलब साथ देंगे तो उसके ऊपर भी जो है हम कोई सेशन जो है रख लेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा सर, मुझे इजाज़त है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब आपने टाइम दिया, थैंक यू, बहुत नवाज़ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।